करीब 3 हफ्ते पहले मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना सीट पर गया था। मैंने कैराना के मुस्लिम बस्तियों का मन टटोलने की कोशिश की। मैंने जानना चाहा कि इस बार कैराना का मुसलमान क्या चाहता है, खासतौर से तब जब जैन चौधरी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। ऐसे में मुसलमानों की सोच में क्या कुछ बदलाव आया है या फिर नहीं। एक सवाल ये भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से मुसलमान कितना खुश है या फिर उसने इस बार अखिलेश यादव के साथ जाने का मन बनाया है। पिछले 3 हफ्ते में कैराना में बहुत कुछ बदल गया है। कैराना इस बार के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण सीट बन गई है और इसकी वजह है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन, जो कैराना के एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके भाई समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, माँ, पिता, दादा सब सांसद रहे हैं। इस बार वो खुद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और अपनी जीत का दावा कर रही हैं। चेहरे पर अब एक चेहरे पर वोट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, खासकर हमारे यहाँ पर ये पहली बार है कि हम देख रहे हैं लोकल इश्यूज का इमर्जेंस, मतलब अब नेशनल इश्यूज, और जो एक चेहरे पर भाजपा समझती थी कि वोट ले लेगी, इस बार लोग उसे दरकिनार कर रहे हैं। भाजपा की बाकी नीतियों से भी यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर भारी तादाद में युवा हैं जो इसी तरह रोड पर एक्सरसाइज करते थे, तैयारी करते थे, लेकिन अब एक तो अग्निवीर 4 साल के लिए उनको निराशा इतनी मिली है कि सिर्फ 4 साल के लिए उनकी तैयारी है तो उनमें भी निराशा है। कोई और भर्ती होती है तो उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। जो किसान वर्ग है उनकी किसी भी समस्या का अभी समाधान नहीं हुआ है, ना तो MSP का दावा पूरा हुआ है अब तक, ना पुराना जो पेमेंट है बकाया गन्ने का वो हुआ है अब तक। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये परेशानियां जो हैं लोगों की, वो अभी जो कि तो है, जनता जो है वो सारे समीकरण को फेल कर देती है और नए समीकरण पैदा हो जाते हैं। तो इस बार का जो चुनाव, खासकर मैं अपनी सीट के लिए कहूँगी, हम जो देख रहे हैं, हमें हर वर्ग का, हर बिरादरी का हमें समर्थन मिल रहा है। भेदभाव वाले जो कानून हैं अभी, उस पर एक प्रतिबंध यही लग जाता है कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है भाजपा की, क्योंकि राज्यसभा में उनके कम लोग हैं। अब अगर ये 400 पार होता है तो बिल्कुल भाजपा का कोई भी नीति लाभकारी नहीं है। CAA का वो प्रस्ताव लागू किया है तो CAA से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उसमें भेदभाव है। आप किसी एक, कोई भी एक धर्म हो या जाति हो, उसको आप छोड़ रहे हैं, बाकी सबको ले रहे हैं, तो ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन है। इकरा हसन के सामने बीजेपी के उम्मीदवार सिटिंग सांसद प्रदीप चौधरी हैं, जिन्हें बीजेपी ने एक बार फिर से टिकट दिया है और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी खासी मेहनत कर रही है। योगी कैराना आकर यहां से पलायन करवाने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को तो कहना ही क्या है, वह तो माफिया और अपराधियों के मरने पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। इनको फतिया पढ़ा दीजिए। आपका एक वोट इसके लिए इनको सही जगह पहुंचा देगा और इसीलिए मैं आ रहा हूं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, कि केराना के पलायन को, जिन लोगों ने केराना वासियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था, हम लोगों ने उनको इस धरती से पलायन कर दिया। अब यहां कोई पलायन नहीं करा सकता, यहां पर कोई पलायन कराने का दुस्साहस नहीं कर सकता। यहां की पहचान को किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दे सकते। और बहनों भाइयों, इसीलिए शामली का आह्वान करने के लिए आया हूं, हमें मोदी जी को देखना है, देश को देखना है। असल में बीजेपी भी ये मान रही है कि कैराना की ये सीट हॉट सीट के साथ साथ एक मुश्किल सीट भी बनी हुई है और इसकी गवाही कैराना के मुस्लिम मोहल्ले भी दे रहे हैं।